यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सीनियर ऑफिसर्स के साथ मीटिंग की। इस दौरान कई बड़े फैसले भी लिए गए, जबकि अखिलेश यादव अपने पैतृक गांव इटावा पहुंचे। अखिलेश ने यूपी के बदले हुए जिस नक्शे को दिखाया, उसी पर आगे बढ़ते हुए उन्होंने पब्लिक से संपर्क भी किया, लेकिन योगी आदित्यनाथ की एक तस्वीर ने समाजवादी पार्टी को सन्नाटे मिला दिया। योगी ने ऐसा प्लान एक्टिवेट कर दिया है जो अखिलेश को चौंकाने वाला है। आखिर ऐसा क्या है, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए जरा। यूपी में योगी थे, योगी हैं और योगी ही रहेंगे। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की मीटिंग के बाद ये पूरी तरह से कंफर्म हो गया। राजनाथ सिंह से योगी की मुलाकात के बाद इस पर मुहर लग गई और नितिन गडकरी से मिलने के बाद योगी ने मैसेज दे दिया कि अखिलेश ने यूपी का जो नया नक्शा खींचा है उसे वो बदलने नहीं देंगे और इसमें ना कोई इफ बट होगा और ना ही किसी तरह का डाउट बाकी रहेगा। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की ने जिस तरह की जातिवादी राजनीति की है, जिस तरह से लोगों को बहलाया है, भरमाया है, और कांग्रेस पार्टी ने खटाखट योजना से जिस तरह से भोली भाली जनता को बरगलाने का काम किया है, अब जनता इस झांसे में आने वाली नहीं है। ये काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। हम उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को पुनः पराजित करेंगे। जो कल तक योगी आदित्यनाथ की चिंतन मुद्रा को हार के नतीजों से जोड़ रहे थे, उन्हें मोदी के शपथ ग्रहण में योगी की ये तस्वीर भी देखनी चाहिए। इस मुस्कुराहट के बहुत मायने हैं, मैसेज बड़ा है और इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं। मोदी 3.0 की कैबिनेट में सबसे ज्यादा यूपी के सांसदों को जगह मिली है। मोदी कैबिनेट में 9 लोकसभा सांसदों को मंत्री बनाया गया है। यूपी के एक राज्यसभा सांसद को मंत्रिमंडल में जगह मिली है, यानी 33 सांसदों पर 10 मंत्री यूपी से ही बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इसमें जोड़ दिया जाए तो ये संख्या 11 हो जाती है। अखिलेश यादव ने जाति समीकरण के हिसाब से यूपी को साधा और इस फॉर्मूले की बदौलत समाजवादी पार्टी यूपी की सबसे बड़ी पार्टी बनी। अखिलेश ने इसी जीत के आधार पर 2019 और 2024 के यूपी के मैप की तुलना की। अपने ट्वीट में अखिलेश ने बताया कि किस तरह उत्तर प्रदेश के नक्शे में अब लाल रंग छा गया है, मगर अखिलेश के इस फॉर्मूले की काट मोदी और योगी ने निकाल ली है। यूपी से जिन 10 नेताओं को मंत्री बनाया गया है उनमें राजनाथ सिंह, जितिन प्रसाद और कीर्ति वर्धन सिंह अगड़ी जाति से आते हैं, जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल, पंकज चौधरी और बीएल वर्मा ओबीसी समुदाय से आते हैं, एसपी सिंह बघेल और कमलेश पासवान दलित वर्ग से संबंध रखते हैं, जबकि हरदीप पुरी अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं। इस कॉम्बिनेशन का सीधा मतलब है यूपी से भले ही एनडीए 36 सीटें जीत पाया हो, मगर फोकस कम नहीं होगा। योगी कमियों को दुरुस्त कर 2027 में नई लकीर खींच देंगे। अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चुनाव परिणाम आने के बाद में पहली मुलाकात हुई। ये मुलाकात तकरीबन 30 मिनट तक चली। इस मुलाकात में उत्तर प्रदेश में जो चुनावी रिजल्ट आए हैं उस पर चर्चा हुई, साथ ही संगठन में कितने और किस तरीके के बदलाव होने चाहिए, ये डिटेल रिपोर्ट योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी आलाकमान को सौंप दी है। साथ ही अब फोकस रहेगा कि अखिलेश की 2027 में जो ख्वाहिशें हैं उस पर ब्रेक लगाया जाए। कयास लगाए जा रहे हैं योगी विधानसभा चुनाव के लिए अलग मोड में नजर आएंगे और इसका असर ठीक वैसा ही होगा जैसा गुजरात में हुआ। 2017 में गुजरात विधानसभा चुनाव हुए तो बीजेपी की सीटों की संख्या 99 रह गई थी, यानी सरकार बनाने लायक बहुमत। इसके बाद 2022 में गुजरात में असेंबली इलेक्शन हुए तो बीजेपी का आंकड़ा 156 सीट पहुंच गया और ये हुआ आमूलचूल बदलाव के तहत। गुजरात जैसा बदलाव यूपी में भी होगा तो बहुत संभव है अखिलेश के उत्साह पर योगी तुषारपात कर देंगे। मैंने आपसे कहा कि खुश करने से सरकारें बन रही हैं, तो कोई खुश और भी कर सकता है? लोकतंत्र में और गिनती जब होती है तो आस और उम्मीद कभी खत्म नहीं होनी चाहिए, आस हमेशा बनी रहनी चाहिए, उम्मीद हमेशा रहनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली से वापसी के बाद दोबारा कैबिनेट की बैठक बुलाई है। इस मीटिंग में हार की समीक्षा की जाएगी, उन सवालों के जवाब खोजे जाएंगे जो 2024 के चुनाव नतीजों के बाद सामने आए हैं। मसलन पूर्वांचल में बीजेपी इतनी सीटें कैसे हार गई,
पश्चिमी यूपी में ऐसा क्या हुआ कि पहले चरण की 6 सीटों पर सफाया हो गया? तो क्या वजह रही कि यूपी के 16 मंत्री अपनी सीटों पर बीजेपी कैंडिडेट को लीड नहीं दिला पाए? क्या ठाकुर फैक्टर यूपी में इतना असर डालने वाला रहा कि समाजवादी पार्टी को इससे फायदा पहुंच गया? क्या जातिवाद यूपी के चुनाव में इतना हावी हो गया कि हिंदुत्व फैक्टर कमजोर पड़ गया? अगर हिंदुत्व की लहर यूपी में नहीं चली तो फिर बिहार और दक्षिण भारत में कैसे इम्पैक्टफुल रही? सूत्रों के मुताबिक योगी हर चैलेंज को अपने लेवल पर हैंडल करेंगे और इसके लिए बाकायदा जिम्मेदारियों के साथ जवाबदेही भी तय की जाएगी। देखिए, सबका साथ सबका विकास हमारे प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का नारा है। निश्चित तौर पर उस नारे पे हम काम करेंगे। अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के विकास को सुनिश्चित करने के लिए ईमानदारी से हमारी सरकार काम कर रही है। हमने मुस्लिम समाज को कभी वोट बैंक के चश्मे से नहीं देखा है। ईमानदारी से उनके विकास को सुनिश्चित करने के लिए काम किया है। आगे जो भी चीज उनके विकास के लिए जरूरी होगा, निश्चित तौर पर हमारी योगी मोदी सरकार जरूर करेगी। अकबरपुर में चल रहा ये बुलडोजर बता रहा है कि योगी का अंदाज बिल्कुल भी नहीं बदलने वाला। जिस ताबड़तोड़ एक्शन के लिए उनकी पहचान रही है, उसी की बदौलत वो 2027 में धमाकेदार वापसी करेंगे। बताया जा रहा है, समाजवादी पार्टी के सरकार के दौरान कुकरैल नदी पर अवैध कॉलोनी बसाई गई, जिस पर हुए एक्शन को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी सही ठहरा चुका है। यूपी के चुनावी नतीजों के बाद फिर यूपी प्रशासन एक्टिव हो गया है और सरकारी जमीन पर बने मकानों को ढहना शुरू कर दिया है। योगी सरकार ने इस कार्रवाई से पहले वहां रहने वाले लोगों से लंबी बातचीत की और फिर बुलडोजर चलाया। चुनावी नतीजे आने के बाद 48 घंटों के भीतर अलग अलग जगह पर 16 एनकाउंटर किए गए। पेपर लीक पर रोक और पानी की किल्लत की समस्या को सुलझाने पर योगी ने फोकस किया। सरकारी नौकरियों में बंपर भर्ती के भी संकेत योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं,